Hello everyone. So overall, spectroscopy and microscopy, especially old microscopy से लेके entire spectrum के बारे में एक नया short course चालू करने जा रहा हूँ. और ये spectroscopy या microscope का phobia आपसे निकाल देगा. आसान शब्द में crystal clear हो जाएगा, concept बनेगा और basics से लेके सब चीज़ आपका clear हो जाएगा. छोटा छोटा scale में divide कर देंगे, बट कुछ कुछ वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. इफ यू प्रॉपरली थोड़ा बहुत सुनेंगे, आपको स्टोरी जैसा लगेगा. तो ओवरऑल पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो कुछ भी हो, लेट स्टार्ट. तो फर्स्टली कुछ भी चीज़, स्पेक्ट्रोग्राफी मतलब क्या है या माइक्रोस्कोपी मतलब क्या है, दोनों सेम चीज़ है क्या? नहीं, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है. तो देखो, कोई भी चीज़ जो माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप पे अंदर में कुछ भी दिखने का स्टडी करने को माइक्रोस्कोपी बोलता है. एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू व्यू सैंपल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. नेकेड आई में जो कुछ नहीं दिखता है उसको माइक्रोस्कोप यूज करके देखने का स्टडी को माइक्रोस्कोपी बोलते हैं. तो स्पेक्ट्रोग्राफी वन काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी जिसमें हम लोग रॉक को देखते हैं. रॉक मिनरल्स पेट्रोमिनरोलॉजी बोलते हैं ना. सो उसको सीन सेक्शन बना के जिस प्रोसेस माइक्रोस्कोप के अंदर में देखने को बोला जाता है पेट्रोग्राफी. उसको अलग से स्पेसिफिकली डिजाइन माइक्रोस्कोप होता है जिसको पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप बोलते हैं. ठीक है, तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कोई भी चीज़ हम लोग देख कैसे पाते? लाइट के वजह से. सो इधर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल पार्ट के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए लाइट के बारे में. तो लाइट क्या है? लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफरेंट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी के हिसाब से अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स रहता है. सो डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के अरेंज करने से, ये देखो सभी का रिलेशन है ना, velocity equal to frequency into wavelength. ठीक है, सो इस हिसाब से जिसका frequency ज़्यादा होगा उसका velocity ज़्यादा होगा. similarly इसका wavelength ज़्यादा होगा उसका भी velocity ज़्यादा होगा. ठीक है, proportionately, directly proportional velocity. high wavelength, high velocity, high frequency, high velocity. ठीक है, ये बेसिक चीज क्लियर हो गया. नाउ देखो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली सब कुछ सजाने से विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स रहता है. सो देखो, 10^-4 से लेके 10^11 नैनोमीटर रेंज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है, देखा गया है. इससे बाहर या इससे अंदर तो ये सब डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज्ड है. ठीक है, जैसे नैनोमीटर मतलब क्या है? 10^-9 मीटर. सो सबसे कम वेवलेंथ मतलब क्या होगा? अभी देखो, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन है ना. तो अगर वेवलेंथ को लैम्डा करोगे, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई एफ, v by frequency हो जाएगा, velocity divided by frequency. So frequency and wavelength क्या है? एक दूसरे से inversely proportional है ना. So frequency बढ़ने से wavelength घटेगा. ठीक है, so इसीलिए इधर देखो, with increasing wavelength जो है same with decreasing frequency हो रहा है. 10^21 से लेके 10^7 hertz. ठीक है, frequency. एंड एनर्जी क्या है? डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी जैसा ही है. जितना हाई फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स हाई एनर्जी है ना. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी बात सेम है. जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतना हाई एनर्जी. सो जितना हाई एनर्जी उतना लो वेवलेंथ. ठीक है, सो ये रेंज है 10^-4 से 10^11 नैनोमीटर एंड 10^21 से 10^7 हर्ट्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से भी 10^7 से 10^-7, 10^-7 से 10^7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो भी
एनर्जी रहता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये बात हो गया। सो इसके अंदर देखो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी में क्या है, गामा रे, उसके बाद क्या है एक्स रे, उसके बाद क्या है अल्ट्रावायोलेट, उसके बाद देखो विजिबल लाइट। फर्दर विजिबल लाइट से भी अगर एनर्जी फर्दर डिक्रीज हो जाएगा तब इंफ्रारेड हो जाएगा, और डिक्रीज होने से माइक्रोवेव हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी डिक्रीज होने से रेडियो वेव हो जाता है, ठीक है, समझ गया। तो ये है डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रे, एक्स रे, यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड मतलब आईआर, शॉर्ट लॉन्ग रेडियो एक्टिव, जैसे रेडियो वेव्स, जैसे माइक्रोवेव्स बोलते हैं शॉर्ट रेडियो को, लॉन्ग रेडियो को रेडियो वेव्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का नाम होने के बाद हमारा लिए ऑप्टिकल मिनरोलॉजी जो भी ऑप्टिक्स लेके आज का काम करेंगे, सो विजिबल लाइट के बारे में हमको देखना है। अब विजिबल लाइट के अंदर भी विथ डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी उसके भी फर्दर सब डिविजन है। हम लोग विजिबल लाइट मतलब व्हाइट जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ना, बहुत सारा लाइट का कॉम्बिनेशन है, विवजियर बोलते हैं ना, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, है ना। तो देखो रेड का क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। सो दैट मीन्स वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा है एंड रेड का एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोल रहे हैं वो भी तो जानना चाहिए, ये आपको फंडामेंटल क्लियर रहेगा फिर भी थोड़ा बहुत जान लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज जनरेटेड बाय द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पहले भी देखो देखो कितना अच्छी तरह लिंक्ड है एवरीथिंग। हम लोग प्रीवियसली न्यूक्लियर फिजिक्स पर जियोलॉजिस्ट पढ़ाया था ना, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब रहता है बोला था ना, केमिकली भी आयन क्या बोला था, कैटायन, एनायन, सब कुछ डिस्कस हुआ है ना, सभी के बारे में इंडिविजुअल वीडियो है। मेरा टोटल सीरीज देखने से आप पता चलेगा हर चीज कितना लिंक्ड है, कितना बेसिक स्ट्रेटेजी में मैं पढ़ाया देखाया हूँ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है जोर से, एक्सीलरेट करता है, तब क्या होता है, करंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन जहाँ से फ्लो करता है जिस डिरेक्शन में उसका अपोजिट में करंट जाता है ना, ये तो जानते हो। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसका मूवमेंट से करंट बनता है, और करंट बहुत बार बार चेंज होने से वो ऑटोमेटिक एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। एंड अगेन मैग्नेटिक फील्ड जितना बनेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उतना अगेन चेंजिंग करंट बनेगा। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एक दूसरे से प्रोपोर्शनल, एक साथ रहता है। चेंजिंग करंट होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक होने से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बनेगा। सो इसी टाइप का रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है, जिसके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, पर्टिकुलर एनर्जी है, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे से 90 डिग्री में रहता है, ठीक है। सो देखो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली सेल्फ जेनरेटिंग, एक दूसरे को बनाते रहता है, एक बार बना दिया तो चेंजिंग करने से एक दूसरे को बनाते रहेगा और एक दूसरे से 90 डिग्री में वाइब्रेट करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर में ये करता है। वेवलेंथ भी इसीलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करना है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन एज वेल। इधर देखो इस डायरेक्शन में सपोज मान लो मैग्नेटिक, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक, तो डायरेक्शन में थर्ड डायमेंशन में क्या है, देखो 90 डिग्री में प्रोपेगेशन डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन में एनर्जी आगे बढ़ेगा। ना एक लाइट को बारे में सोचो, अभी लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, सो ये इतना डिटेल में इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक तो जान लिया ना, अभी लाइट का मूवमेंट दे रहा है ऐसा सपोज। सो इधर मैं तुम्हें एक सैंपल रखा, स्लाइड रखा, इंटरेक्ट करेगा सैंपल मीडियम के साथ, है ना। जब सैंपल मीडियम के साथ वो इंटरेक्ट करेगा तो ये लाइट का वेलोसिटी थोड़ा चेंज हो जाता है, बिकॉज लाइट का वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ रहता है, वैक्यूम में, विदाउट एनी मीडियम, यहाँ कुछ नहीं है, उधर लाइट सबसे ज्यादा जोर प्रोपोगेट करता है, जिसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 186,000 माइल पर सेकेंड बोला जाता है ना।
So that is that velocity is for vacuum. जब कोई मीडियम डाल दोगे जैसे सॉलिड लिक्विड कुछ के अंदर से लाइट जब जाएगा इतना वेलोसिटी में नहीं जाता है, थोड़ा घट जाता है वेलोसिटी, है ना, समझ गया। वेलोसिटी घटेगा दैट मींस उसका वेवलेंथ और एनर्जी चेंज हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है तो एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा ना। वैक्यूम में जा रहा है तो कोई इंट्रैक्शन नहीं, बट दूसरा कुछ से बाधा मिलने से एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम होने से वेलोसिटी कम हो जाएगा, है ना, ऐसा करके होता है, ठीक है। तो ऐसा है, देखो पेट्रोग्राफी में अभी क्या है, माइक्रोस्कोपी के ब्रॉडली लाइट का यूज है, इतना तो जान लिया। तो क्यों करना है पेट्रोग्राफी, बिकॉज ये जो एलिमेंट बहुत सारा फाइनर ग्रेन, सपोज एक रॉक है, इसमें क्या है, हम लोग जितना पॉसिबल है देख लिया अनएडेड आई से, हैंडलेंस से, बट उससे फर्दर डिटेल में जाने से देखो इधर इतना कुछ मटेरियल है, कैसे टेक्सचर है, सब कुछ पता चल रहा है ना, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इसीलिए जरूरत होता है पेट्रोग्राफी, जिसके लिए ऑप्टिक्स थोड़ा आइडिया होना है। ये बहुत आसान शब्द से मैं तुमको सिंपल वे में बोल रहा हूँ, कुछ कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा जान लो, जैसे रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, डोंट वरी, इसे टर्मिनोलॉजी लेके डरने का कोई बात नहीं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, मिरर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, अपना रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितना एंगल में होता है, देखो जब कुछ ये जो ये प्लेन है, ये मान लो मिरर प्लेन, जो लाइट इधर से आएगा तो एंगल में आने से क्या, एंगल में ही जाएगा, सेम एंगल में, और अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर आएगा तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर रिटर्न जाएगा, है ना। सो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते अगर 90 डिग्री तब ऐसा ही जाएगा ना, दो दो डायरेक्शन मिलेगा नहीं, एक ही डायरेक्शन मिलेगा। इसमें क्या है, इंसिडेंट अलग है, रिफ्लेक्टेड अलग है, इधर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड सेम हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये रिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है, बिकॉज इसमें दो मटेरियल के अंदर क्या है, ये हवा से जा रहा है और ये कुछ मिरर का मटेरियल है ना। सो मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अभी मिरर को छोड़ के दूसरा कुछ मटेरियल रख दो, पानी रख दो, तब इतना अच्छी तरह डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, वो उस टाइम थोड़ा अंदर जाएगा, ट्रांसमिट करेगा, पर ट्रांसमिट तो करना अलग बात है, डायरेक्ट जाने से ट्रांसमिशन बोलोगे, लेकिन देखो थोड़ा एंगल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इधर देखो ये एंगल क्या है, इधर इधर के कंपैरिजन में मान लो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, और इधर देखो थीटा, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो थियोरिटिकली क्या है, ये एंगल ये ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था, देखो थीटा एंड आई सेम नहीं होता है, थीटा एंड आई सेम होने से ट्रांसमिशन सिंपल ट्रांसमिशन हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा पाथ से भटक जाता है, थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाता है। देखो स्ट्रेट लाइन होने से ऐसा जाएगा, मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ऐसा जाना चाहिए था, बट ये पाथ डेविएट हो गया, तो इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के लिए मेन दो चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ वो वाला एक कॉन्सेप्ट जरूरत होता है, बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, सिंपल मान लो वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जिस मीडियम के बारे में बात कर रहे हो ना, उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी, इसका रेशियो, ये जो आर आई इक्वल टू वी वी बाई वी एम, वी वी मीन्स वेलोसिटी इन वैक्यूम एंड वी एम मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो इधर ये मान लो हवा है, हवा भी तो एक मीडियम है, वैक्यूम तो नहीं है ना, ये मान लो कुछ पानी है, तो हवा का एक आर आई होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड पानी का भी एक अलग आर आई होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो विदाउट मीडियम वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसको मान लो मीडियम वन दैट इज एन आई, ये भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हवा का, एंड एम एम मतलब मटेरियल का, ये मटेरियल को मान लो पानी, ये इंटरफेस है हवा पानी। सो पानी में क्या हो रहा है, तो फिर एन एम मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस पर्टिकुलर मीडियम वाटर। सो अभी देखो ये इंटरफेस में दो अलग अलग मीडियम का दो अलग अलग आर आई है ना,
रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टेशन इंडेक्स है, दो अलग अलग, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन समय से याद है, भाई आर आई ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज मोर देन वन, वन से ज्यादा हमेशा होगा, वन वन के इक्वल कब होगा, वैक्यूम में होगा, क्योंकि वेलोसिटी इन वैक्यूम जो है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम वन हो जाएगा। लेकिन वो वैक्यूम छोड़ के कोई भी चीज में लाइट का वेलोसिटी तो थोड़ा कम हो जाता है, बोला था ना, तो नेचुरली ये भी वेलोसिटी इन ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ये लोअर पार्ट तो हमेशा कम हो जा रहा है मटेरियल में, तो आर आई क्या होगा, हमेशा मोर देन वन हो जाएगा। सो कोई भी मटेरियल में ऑलवेज आर आई मोर देन वन होगा, रिफ्रैक्शन इंडेक्स मोर देन वन होगा। और मोर देन वन मतलब क्या है, जिसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स ज़्यादा है उसी के डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये देखो ये थीटा एंगल बढ़ गया ना, सो ये इस डिरेक्शन में मूव हो गया। किस डिरेक्शन में एक्चुअली मूव होता है, जिसका आर आई रिफ्रैक्शन इंडेक्स ज़्यादा होता है उसी के तरफ मूव होता है। सो दैट मीन्स इसमें एन आई एन एम में क्या है, एन एम इज मोर देन एन आई, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज मोर, दैट मीन्स क्रिस्टल मान लो या वाटर मान लो, ये वाटर या क्रिस्टल का रिफ्रैक्शन इंडेक्स ज़्यादा है, तभी इसी इसके तरफ झुक गया ना। मोर ओवर वेलोसिटी के हिसाब से तो फिर क्या है, इधर लाइट का वेलोसिटी जितना था उससे इधर थोड़ा कम हो गया, सो जब कम होता है जिस मटेरियल में उसी के तरफ झुक जाता है, ठीक है। नाउ ये देखो, दिस इज द डोमेन ऑफ ओल्ड माइक्रोस्कोपी, रिफ्लेक्शन ओनली, एंड रिफ्रैक्शन कब यूज होता है, जब नॉर्मल पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप में है ना। देखो कितना मजेदार है, ओल्ड माइक्रोस्कोप में हमेशा क्यों रिफ्लेक्शन स्टडी होता है, बिकॉज ओड से ट्रांसमिट होता ही नहीं ना, ओड क्या है, मेटल है, ओड का डेफिनेशन क्या है, कोई भी मिनरल जहाँ से मेटलिक मिनरल ना, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट इकोनॉमिक प्रॉफिट ना, तो मेटल का बात है, तो मेटल से लाइट गुजरता है क्या, नहीं, मेटल का ट्रांसपेरेंसी रहता नहीं, ट्रांसमिट नहीं कर पाता है ना। सो इसीलिए रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी डोमेन है ओड माइक्रोस्कोपी, ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपी का डोमेन है, ठीक है, क्लियर। नाउ रिफ्लेक्टिव लाइट तो बाद में आता है, ओड के बारे में पहले बेसिक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपी जान लो। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपी में क्या है, अभी रिफ्रैक्शन दिखाया था ना, रिफ्रैक्शन एंगल क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इधर क्या है, चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है ना, इधर तो डायरेक्शन जैसा था चेंज हुआ, सो द चेंज इन डायरेक्शन अक्रॉस द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ना मीडियम वन एंड मीडियम टू का, ये मीडियम टू एंड मीडियम वन का बीच में बाउंड्री का अक्रॉस जब लाइट क्रॉस करेगा डेविएशन हो रहा है, एग्जैक्ट पाथ वे तो स्ट्रेट नहीं रह रहा, थोड़ा झुक जा रहा है, शिफ्टिंग हो जा रहा है ना, ये ऐसा जाना था ना, शिफ्ट हो गया थोड़ा एंगल में, तो ये जो एंगल है ना इट इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस टू मटेरियल्स। मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आई, इसका मान लो एन एम, इंसिडेंस एंगल मान लो आई, एंड रिफ्रैक्शन इंडेक्स इज थीटा, सो एन आई इंटू साइन आई, ये एंगल का एन आई मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम एंड साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू एन एम, दैट इज रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम जो नीचे वाला है, एंड साइन थीटा रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत सिंपल है, तो दोनों का साइन कंपोनेंट के साथ लेना देना है, ठीक है। तो इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ दैट दो मटेरियल, इसके साथ ही लेना देना है, इसी को स्नेल्स लॉ बोला जाता है। सिंपल वे में मैं समझा दिया, तो फिर क्या बोल रहा है स्नेल्स लॉ, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, द इंसिडेंट लाइट not perpendicular to the surface will always be refracted or bent towards medium with a lower velocity or higher RI. Higher RI मतलब जो more denser है जिसमें refraction ज़्यादा होगा ना,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वेलोसिटी का जो ये है इधर इधर वैक्यूम वेलोसिटी मीडियम, तो जितना डेंसर मटेरियल होगा उसमें तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। ये ट्रांसमिटेड लाइट में तो फिर क्या हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट अंदर से जाएगा, घुसेगा ना, लेकिन लाइट का ओवरऑल क्या प्रॉपर्टी, मैं बोला लाइट का जो वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है ना, जो मूवमेंट प्रोपागेशन डायरेक्शन, उससे ऑल डायरेक्शन में 90 डिग्री में होता है। एक पर्टिकुलर प्लेन है परपेंडिकुलर, इस प्लेन के अंदर ऑल डायरेक्शन में 90 डिग्री होगा, ठीक है, ऑल डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड इसके साथ और एक प्लेन इस ऐसा हॉरिजॉन्टल जैसा कंसीडर करो, वो प्लेन में ऑल डायरेक्शन में मैग्नेटिक भी ऐसा सेम वे में ऑल डायरेक्शन में करता है, ठीक है। विद इन दिस प्लेन और डायरेक्शन में 90 डिग्री रहेगा ना, ये प्रोपागेशन डायरेक्शन, ये ब्लैक लाइन मान लो, ये है वाइब्रेशन प्लेन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है लाइट, मान लो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो ओवरऑल लाइट का जो है ऑल डायरेक्शन में 90 डिग्री में करेगा, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है ना। हमारा जो लाइट मटेरियल के साथ जब गुजरेगा, ऐसा कुछ मटेरियल रखा जाता है जो एक ही पर्टिकुलर प्लेन में एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, वैसा लाइट में कन्वर्ट करना है। ये जो लाइट है ना, जिसका प्रोपागेशन डायरेक्शन के साथ ओनली वन डायरेक्शन में 90 डिग्री में वाइब्रेट करता है लाइट, उसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। विद इन ए प्लेन ओनली सिंगल डायरेक्शन में 90 डिग्री में प्रोपागेशन डायरेक्शन के साथ वाइब्रेट करने वाला लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये तो फिर क्या है लाइट के बारे में बात करने के लिए, व्हेनेवर लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इन नंबर ऑफ फेनोमेना में ऑकर। अभी तक दिखा दिया ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, है ना। सो और भी बहुत कुछ होता है, सबको बहुत इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लाइट में भी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिस्पर्स, ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब्ड, स्कैटर्ड और re-radiated by substance. Such phenomena depend primarily on the substance's chemical composition and crystal structure. So crystal structure के बारे में बात करने के लिए हमारा लिए polarized microscope जो जरूरत होता है वो बहुत काम में आता है। Now in addition to that, with the dispersion and refraction, ये दोनों चीज बहुत ज़्यादा spectroscopic microscope में directly जरूरत नहीं होता, लेकिन light का property तो overall जान के रखने से अच्छा है, तो इसीलिए इतना जान लो। कोई भी प्रिज्म में जब अभी बोल रहा था ना कि लाइट बहुत सारा वाइट लाइट बहुत सारा कलर का लाइट का कॉम्बिनेशन है, भीप जी और बोल रहा था ना, सो ऐसा कोई प्रिज्म में रखने से वो ऐसा ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। प्रिज्म क्या है, एक ऐसा क्रिस्टल है जिसका साथ करने से इंटरेक्ट करने से लाइट लाइट बहुत सारा फ्रैगमेंट में अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और एनर्जी अलग अलग सेपरेटेड हो जाता है, उसी को प्रिज्म बोलता है, ठीक है। सो डिफरेंशियल रिफ्रैक्शन, डिफरेंशियल रिफ्रैक्शन को ही डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी डिस्पर्सन बोलता है, ठीक है, डिस्पर्सन मीन्स डिफरेंशियल रिफ्रैक्शन। सो देखो इधर डिस्पर्सन क्या बोला था, विथ वेलोसिटी जो भी हो वेलोसिटी चेंज होगा क्या, किसके लिए, एनर्जी लिए। तो व्हाइट लाइट के अंदर तो इतना सारा एनर्जी का अलग अलग कलर का लाइट रहता है, तो जिसका सबसे लो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा लो वेलोसिटी रहेगा, तो वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स, उसके ज़्यादा डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा ना। जिसका सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी है दैट मीन्स हाई वेलोसिटी रहता है, वो कम रिफ्रैक्शन होगा, सेम चीज़ है ना। तो ये देखो इस डायरेक्शन में देखो वीप जी और इसका सबसे छोटा वेव लेंथ है दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी, इसका सबसे ज़्यादा वेव लेंथ 770 नैनोमीटर, सो सबसे ज़्यादा वेव लेंथ मतलब कम एनर्जी, कम एनर्जी मतलब कम वेलोसिटी, कम वेलोसिटी मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्शन, ये ज़्यादा डेविएट हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए अलग अलग कलर में डेविएट हो रहा है, तो इसीलिए
इवनिंग टाइम पे सूरज या अर्ली मॉर्निंग में सूरज का जो रोशनी आता है आसमान रेड ही हो जाता है, बिकॉज एक्चुअली उस टाइम लाइट आया ही नहीं, लेकिन रेड बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है ना। तो मान लो सूरज इधर है, लेकिन ये सूरज का लाइट आके कुछ मटेरियल में एटमोसफेयर में बहुत सारा पार्टिकल रहता है ना, उसके साथ इंटरेक्ट करके अलग सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होके वो वाला लाइट सबसे दूर तक आता है, ठीक है, दैट इज रेड लाइट, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है ना, मतलब पाथवे चेंज होता है। तो मान लो सूरज एक्चुअली तुम्हारे हॉराइजन का नीचे है, फिर भी दिखेगा रेड लाइट सूरज का रोशनी। दिन में सबसे ज्यादा ब्लू कलर का लाइट आता है, आसमान में ब्लू दिखता है, बिकॉज ब्लू सबसे ज्यादा हाई एनर्जी रहता है, दैट मीन सबसे लो वेवलेंथ रहता है। सो जितना लो वेवलेंथ रहेगा उसी का वेवलेंथ का सेम साइज का पार्टिकल बहुत ज्यादा रहता है, मैच हो जाता है एटमोसफेयर में। सो सेम पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करके स्कैटरिंग होके ब्लू दिखता है लाइट, ठीक है। डायरेक्ट डिस्पर्सन का एक सबसे ज्यादा नेचुरल एग्जांपल है रेनबो, है ना। जब कोई बारिश हो जाता है एटमोसफेयर में बहुत सारा पानी रहता है ना, पानी का ड्रॉपलेट्स, सो दैट वाटर वेपर का वाटर क्या करता है, इट एक्ट एज नेचुरल प्रिज्म। सो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके लाइट ऑटोमेटिक प्रिज्म में जैसा होता है वैसा ही चेंज हो जाता है अलग अलग कलर। अब इसको छोड़ के और एक चीज है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी डायरेक्ट ऑप्टिकल मिनरोलॉजी ऑप्टिकल्स में काम नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा जान लो कॉन्टेक्स्टुअल क्लैरिटी के लिए। कोई भी लाइट सोर्स मान लो ऐसा जा रहा है, तो उस जगह पे एक स्लिट है, बेंडिंग हो जाएगा, मतलब बाधा कर रहा है। सो लाइट फिर भी एक छोटा सा इससे निकल के फिर दूसरा प्रॉपर्टी से मूव करेगा, इसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन। तो एक इसीलिए एक एक घर के अंदर छोटा सा होल रहने से भी उधर से लाइट बहुत दूर तक स्प्रेड हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन में ना, इसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। सो इट इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल के अंदर कुछ भी एक पोजिशन मिलेगा लाइट निकल के आएगा और निकल के स्प्रेड हो जाता है चारों तरफ, है ना। स्प्रेड सबसे ज्यादा दूर कहाँ तक, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, 90 डिग्री में डायरेक्ट, बाकी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा कम जाएगा, ये ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन नेचुरल एग्जाम्पल जान लो। ये देखो सूरज के टाइम पे मॉर्निंग टाइम या इस टाइम में कभी भी अलग से रोशनी का छोटा बोलते हैं हम लोग, अलग अलग किरण जैसा अलग अलग डायरेक्शन में ऐसा दिखता है ना, दिख जाता है लाइट। ये लाइट दिख क्यों से कैसे रहा है, बिकॉज बहुत सारा बैंडिंग है, व्हाइट लाइट काला टाइप का, व्हाइट काला, अगर यूनिफॉर्मली व्हाइट होता दिखता नहीं। तो ये किस लिए हो रहा है, यही है डिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स लाइक टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स या ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड में तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी रहता है, दे क्या करता है लाइट को लाइट एंड डार्क फ्रिंज में बांट देता है, डिस्पर्स कर देता है, बिकॉज अभी दिखा है ना कुछ कुछ जगह पे लाइट बेंडिंग हो रहा है और बाकी जगह से निकल के आ रहा है, फिर चारों तरफ में फैला जा रहा है। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है ऑन द अदर एंड, और एक बहुत टर्म है सिल्वर लाइनिंग बोला जाता है ना, ठीक है। ये है डिफ्रैक्शन का एग्जांपल। सो डिस्पर्शन का एग्जांपल बोल दिया, रामधनु या जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं, एंड एंड डिफ्रैक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, ये जो है सिल्वर लाइनिंग। नाउ जियोलॉजिकली भी डिफ्रैक्शन बहुत यूज होता है, जैसे ब्रैग इक्वेशन यूज होता है ना, 2D sin थीटा एन लैम्डा इक्वल टू, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होने से ये अलग कॉन्टेक्स्ट है, जस्ट रखा हो लाइट का प्रॉपर्टी के लिए। एक्सरे भी करता है, एक्सरे भी नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना वेव, एक्सरे जैसा विजिबल लाइट भी सेम करता है कुछ कुछ जगह। सो इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो सबसे ज्यादा क्रिस्टलोग्राफी में यूज होता है, ये जो डी स्पेसिंग जानने के लिए, ये मान लो एक क्रिस्टल लिया ये दूसरा क्रिस्टल लिया, तो इक्वेशन से ये जो डी डिस्टेंस है ना पता चल जाता है, ये इंसिडेंट एक्सरे, ये डिफ्रैक्टेड एक्सरे, ये जो लैग है 2D sin थीटा बोला जाता है, थीटा एंगल में अगर इंसिडेंट हो इसको ब्रैग लॉ बोला जाता है। एनीवे इसके डायरेक्टली अभी यूज नहीं है। इसके बाद हम लोग बेसिक्स माइक्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा जान लेंगे, सो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग माइक्रोस्कोप को करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये कोर्स आप कंप्लीट करने से आपको ओवरऑल माइक्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा।
So thank you. This is the end of this video. We'll be just meeting shortly with next video.